रिवर्ट ऑफ इट टॉर्क एंड आरपीएम डिफरेंस, मतलब कि टॉर्क और आरपीएम में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन हम सभी को काफी ज्यादा कंफ्यूजन करता है, चाहे हम कभी मोटर की बात करें या फिर हम कभी किसी इंजन की बात करते हैं, आपको कई जगह पर टॉर्क और आरपीएम सुनने को मिलता है। अब आखिर ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम आरपीएम की बात करते हैं कि आखिर आरपीएम क्या होता है। वैसे आरपीएम के बारे में लगभग हम में से सभी लोगों को पूरी तरीके से पता होता है कि आरपीएम जो होता है वो होता है रोटेशन पर मिनट। फिर भी अगर मैं आपको आरपीएम को और बताऊं, तो अगर हम मोटर की बात कर रहे हैं या फिर हम हमारी बाइक की बात कर रहे हैं, तो दोनों के केस में आरपीएम अलग अलग चीज हो गई। पहले हम मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो मोटर के केस में आरपीएम क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारी मोटर है और इस मोटर के बीच में क्या होता है, हमारा होता है रोटर। और दोस्तों जब हमारी इस मोटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारा ये रोटर गोल गोल घूमता है। अब यह जो हमारा रोटर घूम रहा है, मतलब कि रोटेशन कर रहा है, वह रोटेशन एक मिनट में कितनी बार हो रही है उसी को ही हम आरपीएम बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप इस टेस्टर को मोटर का एक रोटर मान लीजिए। अब जैसे मैं मेरी इस मोटर को सप्लाई देता हूँ तो क्या होगा, हमारे इस मोटर का ये जो रोटर है घूमने लगेगा। तो अब मान लीजिए ये जो रोटर है, ये रोटर हमारा एक बार ऐसे घूम के आता है, पूरे एक मिनट के अंदर सिर्फ एक बार घूम के आता है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, हमारी जो ये मोटर है ये मोटर एक आरपीएम की है। और वही अगर हमारा ये रोटर एक मिनट के अंदर दो बार ऐसे घूम के आता है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, यह जो मोटर है यह मोटर हमारी दो आरपीएम की है। वैसे अगर हम मोटर की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक दो आरपीएम पे नहीं चलती है, हमारी मोटर 1000-2000 ऐसे आरपीएम पे चल रही होती है। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए बताया कि आखिर आरपीएम क्या होता है। आरपीएम होता है कि हमारे जो मोटर का रोटर है वो एक मिनट में कितनी बार घूम रहा है। और आरपीएम का एक और उदाहरण मैं आपको बाइक के साथ में भी देना चाहता हूँ, ये काफी ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, जब भी हम बाइक या फिर कार की बात करते हैं तो हमारी जो बाइक या फिर कार होती है तो उसके जो टायर होते हैं वह टायर एक मिनट में कितनी बार घूम रहे वही हमारा आरपीएम है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जब भी हम बाइक या कार की बात करते हैं तो उसके टायर को कौन घुमाता है, उसके टायर को घुमाता है हमारा इंजन, गाड़ी के अंदर लगा हुआ इंजन। तो वह जो इंजन है वह इंजन एक मिनट में कितनी बार घूम रहा है वह होता है हमारा आरपीएम। वैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर हमको मोटर के आरपीएम क्या होते हैं वह पता होना चाहिए। तो उम्मीद है वह तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आपको एक और बार मैं यह भी बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं पर आरपीएम की फुल फॉर्म रोटेशन पर मिनट बोली जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर आरपीएम की फुल फॉर्म रेगुलेशन पर मिनट बोली जाती है। तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो रेगुलेशन पर मिनट होता है इसका मतलब भी होता है कि एक मिनट में कितनी बार घूमेगी, और जो रोटेशन पर मिनट होता है इसका मतलब भी है कि मोटर हमारी एक मिनट में कितनी बार घूमेगी। लेकिन अब अगला सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल कि आखिर टॉर्क क्या है। तो दोस्तों टॉर्क काफी ज्यादा सिंपल सी बात होती है। अगर आपको कभी भी इसको सिर्फ एक वर्ड में किसी को बताना है तो आप बोल सकते हो कि टॉर्क जो है वो हमारा ट्विस्टिंग फोर्स है। वैसे ये ट्विस्टिंग फोर्स या फिर टॉर्क क्या होता है इसको हम और अच्छे से बात करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा कोई भी एक बॉक्स है। अब हमारे इस बॉक्स को एक कोई आदमी आता है वो इसको यहाँ से एक धक्का लगाता है, तो जब इस बॉक्स में हमारा यहाँ से प्रेशर लगता है तो इसके कारण क्या होता है, बॉक्स हमारे सीधी डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि हमारा ये बॉक्स एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और जब हमारा ये ऑब्जेक्ट मतलब कि बॉक्स स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव होगा तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों लीनियर मोशन, कि हमारा जो यह ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट एक लीनियर मतलब कि एक सीधी लाइन में ही मोशन कर रहा है, मतलब कि एक सीधी लाइन में ही चल रहा है। और आपको एक बात यह बता दीजिए कि जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है तो इसे बोलते हैं हम फोर्स। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें कि फिर आखिर टॉर्क क्या है। अब दोस्तों टॉर्क के केस में क्या होता है, तो वापस आप इस एग्जाम्पल पे आइए। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था तो यह हमारा बॉक्स अभी तो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन मतलब कि लीनियर मोशन कर रहा है, तो यह तो हमारा फोर्स हो गया। लेकिन अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन में मूव होने लग जाए, रोटेशन मोशन का मतलब है कि हमारे घूमने वाली मोशन, जब हम लीनियर मोशन की बात करें मतलब कि सीधी डायरेक्शन में, और रोटेशन मोशन का मतलब कि हमारे घूमने वाली अवस्था में, तो अगर हम हमारे इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी प्रेशर मतलब कि बल लगाते हैं तो उसके कारण अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट एक रोटेशन मोशन में घूमता है तो वह जो कहलाता है वह कहलाता है हमारा टॉर्क। तो सर इसी चीज को हम हमारे मोटर के केस में भी देख लेते हैं। तो मोटर के केस में क्या होता है, हम सभी को पता है जो मोटर होती है वो मोटर हमारी गोल गोल घूमती है, मतलब कि हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी रोटेशन मोशन करती है, गोल गोल घूमती है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, हमारी जो मोटर है वो मोटर टॉर्क उत्पन्न करती है।